गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज फेरिंग्स। अपन देखने वाले हैं फेरिंग्स होता क्या है या फिर किस रीजन को फेरिंग्स बोलते हैं, कितने पार्ट के अंदर जो है इसको डिवाइड कर रखा है, और वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि फेरिंग्स जो है वो किस प्लेस के ऊपर जो है ये पाया जाता है। दैट वी गोना टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर। अपन ने पुराने वाले लेक्चर के अंदर बात की थी ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ बोला था। माउथ जो है आगे जाकर किस में मिल रहा था, बकल कैविटी के अंदर। अब बकल कैविटी का जो रीजन आगे जाकर खुलता है, जिस प्लेस से मिलता है, जिस पार्ट के अंदर मिलता है, उस पार्ट को जो है अपन फेरिंग्स बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो से कि फेरिंग्स जो है एक ऐसा रीजन है, फेरिंग्स जो है एक ऐसा रीजन है जो कि बकल कैविटी प्लस में ईसोफेगस के बीच में पाया जाता है। द रीजन विच इज फाउंड बिटवीन बकल कैविटी एंड ईसोफेगस, दैट रीजन इज नोन एज फेरिंग्स। द रीजन विच इज फाउंड बिटवीन बकल कैविटी और ओरल कैविटी एंड ईसोफेगस, दैट रीजन इज नोन एज फेरिंग्स। ओके, अब फेरिंग्स जो है ये ऊपर से नेजल चैम्बर से भी मिल रहा है, इधर बकल कैविटी से भी मिल रहा है, साइड के अंदर जो है ये लैरिंग से भी मिल रहा है, इसी भी हाफ के ऊपर जिस जिस पार्ट से जो मिल रहा है। द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, जो है तीन पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है। फेरिंजियल जो रीजन है उनको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन नंबर वन, दैट इज नेसोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो रीजन जो कि नेजल चैम्बर से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, नेजल चैम्बर से, दैट रीजन इज नोन एज नेसोफेरिंग्स। द रीजन ऑफ फेरिंग्स विच इज कनेक्टेड टू द नेजल चैम्बर और इंटरनल लैरिंज, द फेरिंग्स इज नोन एज नेसोफेरिंग्स। एक्चुअली नेसोफेरिंग्स के अंदर एक और ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को अपन बोलते हैं यूस्टेशियन कैनाल। उसको अपन बोलते हैं यूस्टेशियन कैनाल। एक्चुअली यूस्टेशियन कैनाल जो है ईयर के अंदर पाई जाती है। वी कैन से दिस इज द ओपनिंग ऑफ ईयर, ये ईयर की ओपनिंग है। आप लोगों ने कभी देखा हो कि अपन जो है ईयर के अंदर कोई ईयर ड्रॉप डालते हैं, डालने के बाद में मुंह के अंदर जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली टेस्ट आ जाता है। व्हाई? बिकॉज ईयर की जो है एक ओपनिंग किसके अंदर ओपन हो रही है, नेसोफेरिंग के अंदर, और जो ओपनिंग ओपन हो रही है उसको अपन ने क्या नाम दे रखा है, यूस्टेशियन कैनाल। ओके, उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, दैट इज ओरोफेरिंग्स, और कहते हैं सेकंड टाइप ऑफ फेरिंग्स, दैट इज ओरोफेरिंग। बकल कैविटी जिस फेरिंजियल रीजन के अंदर खुल रही है, द रीजन इन विच बकल कैविटी इज ओपन, दैट रीजन इज नोन एज ओरोफेरिंग्स। उसको अपन क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड, दैट इज लैरिंगोफेरिंग्स। वह फेरिंजियल रीजन जो कि लैरिंग्स के पास में है, वह फेरेंजियल रीजन जो कि लैरिंग्स के पास में है, उस फेरेंजियल रीजन को अपन क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। दैट रीजन इज नोन एज लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, तो इस तरीके से जिस जिस प्लेस के ऊपर ये मिल रहा है उस प्लेस को जो है अपन ने जो है अलग अलग नाम के अंदर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज नेसोफेरिंग्स, सेकेंड इज ओरोफेरिंग्स, एंड थर्ड इज लैरिंगोफेरिंग्स, एंड कंप्लीटली स्ट्रक्चर इज फेरिंग्स। ओके, इसके बाद में जो है अपन बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि जैसे ही फेरिंजियल रीजन एंड हो जाता है, फेरिंजियल रीजन के बाद में ईसोफेगस, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, तो जो है दैट होल ट्रैक इज एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपन देखने वाले हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है फोर लेयर से मिलकर कंसिस्ट होती है। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, फोर लेयर, और उन लेयर का जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पाया जाता है, तो जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, द ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज हिस्टोलॉजी। आई होप ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, क्योंकि 11th क्लास के अंदर जो है अपन ने एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों ही पढ़े हैं। तो अब भी अपन जो है एलिमेंट्री कैनाल देखने वाले हैं, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके,